जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं तिमाही परीक्षा पेपर 2023-24 का फाइनल ईयर असली पेपर यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो, सेट नंबर ए है आपका हिंदी का 100%। असली पेपर हमारे हाथ में है, जो कि इसको मैंने फोटो खिंचाऊँ, इसका संपूर्ण सोल्यूशन इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जो कि आप लोग वीडियो देखते नहीं, बोलते सोल्यूशन है नहीं, इसलिए मैं आपको सोल्यूशन पहले दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, पूरी हाथ से तैयार किया गया, जो कि A to Z आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहे, यहाँ पर देख सकते हो पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको ये सोल्यूशन आखिरी में मिलेगा। आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इस PDF का पासकोड मैं इस वीडियो के बीच में या अंत में कहीं पर बता सकता हूँ, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। और मैं बता दूँ कि यह पेपर 100% असली है, यही आपके एग्जाम में आने वाला है। आप यहाँ पर अपना निर्देश पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो एक एक अंक के, यहाँ पर इसको पूरा निर्देश पढ़ लेना। इसके मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर की ओर चलता हूँ, जो कि यहाँ पर मैं टिक भी लगाते जाऊँगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको आपको याद करके जाना है। यहाँ पर देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, एक एक अंक के 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। प्रयोगी, यहाँ पर देख सकते हो, प्रयोग बाद का आरंभ माना जाता है। तो यहाँ पर सन किस सन में माना जाता है, तो आपको सन अ नंबर हो जाएगा, जो कि आपको सन 1983 से, ये आपको अ नंबर राइट आंसर लगा लेना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, संचारी भावों की संख्या होती है तो कितनी होती है, तो ये 33 होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। आप अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 नंबर, स्वयं प्रकाश जी की पत्रिका का संपादन किया है तो किसने किया है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, वसुधारा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, तीसरा चौथा नंबर आपके सामने है, सूरदास के गुरु थे तो किसने थे, तो ये आपको बताना है। तो ये बल्लभाचार्य राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। इस तरीके से मैं सोल्यूशन भी लगाते जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन, 2 अणुओं के मेल को कहते हैं तो क्या कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका संधि हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, सांप निकलने पर डर कर भागे भोलानाथ, आकर छिपे कहाँ छिपे, तो ये आपको बताना होगा। तो आपको मैया के आंचल में छिपे, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द नंबर। इस तरीके से मैंने अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ देख सकते हो, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो कि आप यहाँ पर एक एक अंक के 6 क्वेश्चन है और यहाँ पर 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, सूरदास जी मुख्यतः खाली स्थान के कवि हैं, तो यहाँ पर वात्सल्य और शांति आपको बताना है। तो इसका वात्सल्य राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, काव्य में रस का अर्थ खाली स्थान स्वीकार किया गया, तो ये आपको बताना होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आनंद। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, जीवनी खाली स्थान की लिखी जाती है तो स्वयं पर या महापुरुष पर, तो ये महापुरुष पर लिखी जाती है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, बाल गोविंद भगत पाठ खाली स्थान विधा का रेखा चित्र या स्मरण है, तो ये आपको रेखा चित्र है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद शब्द शक्ति के खाली स्थान प्रकार होते हैं, 3 या 6, ये आप बताना है, तो इसका 3 हो जाएगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंतोक का मतलब खाली स्थान है तो पठार या पथार, तो इसका पहाड़ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, एक एक अंक के आपको 4 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे, सही जोड़ी बनाना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कालम एवं कालम ब, इसी तरीके से आपको लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको सही जोड़ी बना देता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहला का आपका उत्साह का आपका निराला हो जाएगा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, उत्साह का आपका निराला हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, काव्य की आत्मा इसका रस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, कामायनी, तो इसका इसका आपका हो जाएगा महाकाव्य। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, त्रिभुवन में समास है तो ये चौथा है, तो चौथा का राइट आंसर आपका हो जाएगा द्विगु समास है। इसके बाद निबंध, इसका निबंध का हो जाएगा, ये निबंध है, निबंध का आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, जो कि आपको ये मैं क्यों लिखता हूँ, इसका मन्नू भंडारी, तो इसका मन्नू भंडारी का आपका हो जाएगा पहले नंबर। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन की ओर चलना है, यहाँ पर देख सकते हो, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, तो इसका भी मैंने उत्तर यहाँ पर बोल दूंगा, बाकी आपको लिखना है तो लिख लेना। यहाँ पर देख सकते हो, एक वाक्य एक शब्द में लिखना है, तो एक एक अंक के 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो यहाँ पर 6 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, आपको भोलानाथ का असल नाम क्या था, तो ये आपको बताना होगा। तो इसका तारकेश्वर था, तो मैंने बोल देता हूँ, बाकी लिखा लिखाया हुआ उत्तर लास्ट में मिलेगा। एक दो नंबर देख सकते हो, अज्ञेय ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है, तो एक आपको बताना है, तो इसका आपको सरस बम को कहा है, जो कि वीडियो के अंत मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर लिखना है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो जो कि आपको 3 नंबर है, तो कठिन इसका कठिन काम ये हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई बनी थी, तो संगमरमर की बनी थी। इसके बाद मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं, जो कि 5वां नंबर है, 5वां का आपको मात्रिक छंद। इसके बाद सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो इसका आपको ऊ विश्वसनी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, 70% है, तो 70% आपको लिखना है। तो पहले नंबर देख सकते हो, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो ये आपको बताना होगा, तो ये आपको 70 हो जाएगा। दो नंबर देख सकते हो, दृष्ट काव्य में अभिनय तत्व प्रधान है, तो ये आपको लिखना होगा, दो नंबर, दो का 70 हो जाएगा। रस के शांत अंग है, सात अंग है, तो 70 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो ये आपको चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर 70 हो जाएगा। सब मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है, तो ये भी आपको 70 हो जाएगा। गंग गंग टोक मेहनत काश बादशाहों का शहर है, तो ये आपको लिखना होगा कि यस, मतलब सही है, सही चिन्ह। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, 4 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी उत्तर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहले नंबर आप देख सकते हो, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, तो ये आपको 6 नंबर है, तो 6 का आपको उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, 7 नंबर प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएँ लिखिए, यहाँ पर 7 नंबर नई नीति को कोई विशेषता लिखिए, इसका भी उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा। 7 नंबर देख सकते हो, 8 नंबर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, दो अंक किया, इसका भी उत्तर मिल जाएगा, अथवा सही थे। यहाँ पर देख सकते हो, 19 नंबर लक्ष्मण और वीरोधा में क्या विशेषता बताई है, और इसका अथवा अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ पर देख सकते हो, आपको 10 नंबर अलंकार की परिभाषा एवं भेद लिखना है, और यहाँ पर विभव किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 11 नंबर देख सकते हो, यहाँ पर महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, तो इसको याद करके जाना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखना है, और अथवा में देख सकते हो, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर। यहाँ पर देख सकते हो, स्वयं प्रकाश जी भाषा शैली और दो रचनाएं नाम इसको लिखना है, इसका मन्नू भंडारी की भाषा शैली और दो रचनाएं आपको लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो, तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्वयं प्रकाश जी का भाषा शैली दो रचनाएं इनको लिखना है, सभी का उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा। 14 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, सेनानी ने उठते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन पे कहा जाता है, ये लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मन्नू भंडारी के पिताजी का स्वयं स्वभाव शक्ति क्यों हो गया था, ये बताना है, और यहाँ पर प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होगा। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखना है, और अगला क्वेश्चन आपको, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम क्यों अभिव्यक्त करते हैं, ये बताना है। संधि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, ये आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। इसके बाद इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के लिखना है, जो कि वीडियो के अंत में उत्तर मिल जाएगा। नानी के घर से लौटने के पश्चात अपने माता जी के साथ संवाद लिखिए, ये आपको देख सकते हो। 21 नंबर, निम्नलिखित गद्यांश का काव्यांश पर लिखना है, इसको भी आप लिख लेना, बाकी आप इधर बहुत सरल है। इसके बाद 22 नंबर चलते हैं, विद्यालय के प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना है, तो इसका भी उत्तर वीडियो के अंत में दे दूंगा। 23 नंबर देख सकते हो, निम्नलिखित विषय पर रूपरेखा लिखना है, तो आप लिख सकते हो। फाइनली अपना उत्तर देख सकते हो, यहाँ पर आपका उत्तर रहा, तो उत्तर आपके सामने त्रिमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं हिंदी का है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, अगला क्वेश्चन आप स्थान आपको पहले नंबर देख लेना, पहले का अ नंबर, दूसरे का ब नंबर, तीसरे का ब नंबर, चौथे का द नंबर, और पचवें का अ नंबर, छठवें का यहाँ पर द नंबर, इस तरीके से आप देख लीजिए। बाकी प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए, 2 के बाद आप यहाँ पर 3 नंबर देख लीजिए, और ये 4 नंबर, ये 5 नंबर पूरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये 6 नंबर रहा, और ये 7 नंबर, और ये 8 नंबर, ये 9 नंबर है, इसको देख लीजिए और इसको पूरा लिख लीजिए। इसका 10 नंबर, और ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये 13 नंबर, ये आगे का देख लीजिए 13 का, इसके बाद ये 14 नंबर देख लीजिए, 14 का एक 15 देख लीजिए, और ये 16, ये 17 है, 17 का ये देख लीजिए, इसके बाद 18 है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसके बाद 18 के बाद ये आगे का उसी का है, ये 19 देख सकते हो, और ये 20, इसके बाद 20 के बाद 21 नंबर देख सकते हो, और इसको पूरा देख लीजिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। PDF का पासवर्ड मैं यहाँ पर बता देता हूँ, और आपको टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे 1200 PDF का पासवर्ड है, 1200 11, जो कि यह टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन हो जाइए और इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और याद कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।